हमने देखा था कुछ लोग जो है ब्लैक कर रहे थे, वो जमाखोरी कर रहे थे, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की हो, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे वो सिलेंडर्स की हो, लेकिन उससे उन्हें ये बेनिफिट हो रहा था कि वो उनकी फाइनेंशियल बहुत बेनिफिट था उनको, यानी वो 10,000 की चीज को 50,000 का बेच रहे थे या 800 के इंजेक्शन को 20,000 का बेच रहे थे, तो उससे उन्हें ये बेनिफिट था इसलिए जमाखोरी कर रहे थे। लेकिन ये जो मामला हमारे सामने आया, अगर हम नेहा खान की बात करें, तो वो जो अगर ये अपना वैक्सीन को डस्टबिन में फेंक रही थी और खाली जो सुइयां वो चुबा के लोगों को वापस भेज रही थी, लेकिन इससे मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई फाइनेंशियली कोई बेनिफिट है, क्योंकि इसमें उन्हें तो कोई पैसे का तो कोई फायदा हुआ नहीं, उन्होंने तो उल्टा वेस्ट कर दिया वैक्सीन को। तो इससे मुझे ये समझ आया कि ये जो है कोई राजनीति के तहत ये किया जा रहा है, और ये जो है कुछ जो विपक्ष है शायद उनकी कोई इनकी साजिश है, क्योंकि अभी जैसा कि हमें पता है विधानसभा चुनाव जो है वहां पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वो सर पर है, बिल्कुल अगले साल 1 साल रह गया, 10 महीने बाद दोबारा वहां पे यूपी में चुनाव होने वाले हैं। या अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 में देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इन लोगों की ये साजिश है कि ये जो महामारी आई है, इस महामारी को ये जो है आपदा में, जैसे अफसर मोदी जी ने एक नारा दिया था आपदा में अवसर, तो ये इसको अवसर के तौर पर ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसमें जितनी भी गलत काम है, यानी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करें और जमाखोरी करें, वैक्सीन की बर्बादी करें, और मोदी जी का और जो बीजेपी सरकार है और योगी सरकार का उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक वर्ल्ड पे ये मैसेज जाए, विश्व में ये मैसेज जाए कि मोदी सरकार जो है विफल हो गई है, यानी ये हर तरह से मलाई खाना चाहते हैं। इस जो आपदा में जो अवसर है उसको इस तरह से ले लिया कि उल्टा बीजेपी को बदनाम करो, मोदी सरकार को बदनाम करो, और इससे जितने बेनिफिट हो पाए इस महामारी से वो लो, भले ही लोगों की जान चली है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल देश को बर्बाद करने पे तुले हुए ये। क्योंकि देखिए, जब एक अगर पहले हमारा जो देश है वो विकसित देश नहीं है ना, वो तो हम ऑलरेडी हम विकसित देश नहीं है, उसके बाद भी अभी हम ठीक है धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, और जो 70 साल से जो कांग्रेस ने हमारे देश को लूटा और खोखला करा, उससे अब ठीक से हम उभरे भी नहीं है, उसके बाद ये महामारी आ गई। देखिए, ये जो महामारी है इस पे तो पहले तो किसी की गलती नहीं है, किसी भी, ना तो सरकार की गलती है ना मोदी जी की गलती है, क्योंकि पूरे विश्व पे एक साथ एक महामारी आई। लेकिन हमें देखना है कि जब ये महामारी आई तो इससे लड़ने में लोगों ने कितना इनिशिएटिव लिया। अगर विपक्ष की जो जिम्मेदारी ये थी, विपक्ष की जिम्मेदारी ये थी कि वो बोलते हैं मोदी जी ये जो जब इलेक्शन आएंगे हम आपसे जब निमट लेंगे, जो भी हमें आपसे शिकायत है हम जब देख लेंगे, फिलहाल हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हर तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं, आप जो भी फैसला लोगे हमें बताइए, कुछ हमें कमी पेशी लगेगी हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कराएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन इन लोगों को देखें, ये जो है अगर वैक्सीन के जो नाम है उसमें भी इनको दिक्कत है, ये वाली वैक्सीन नहीं होनी चाहिए, वो वाली होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा उसमें भी इनको अपना इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि किससे बननी चाहिए। ठीक है, देखते हैं आप, जो नेहा खान नाम के एक नर्स को पकड़ा गया है जिन्होंने लोगों को सिर्फ इंजेक्शन चुभाया और जो वैक्सीन थी उसको डस्टबिन में फेंक दिया, आखिरकार ऐसी घटिया हरकत क्यों हो रही है? देखिए, एक्चुअली ये जो लोग हैं ये मानसिक पीड़ित हैं, मानसिक इनकी घटिया सोच से ये जो है संक्रमित है, ये भी जैसे कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, ये लोग जो है घटिया मानसिकता से संक्रमित हो चुके हैं, और ये जो है ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो हरकत है ये सिर्फ एक इनकी, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये सब एक राजनीति के तहत किया जा रहा है। और केसेस ज्यादा आए, लोगों की मृत्यु ज्यादा हो, तो जितने आंकड़े ज्यादा आएंगे तो जनता में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, आने वाले जो चुनाव है उसमें बीजेपी को शायद वोट ना दें, क्योंकि ये जो है महामारी से लड़ने में विफल हो गई है, इस तरह का एक मैसेज देने के लिए। और इनके पास और कोई इशू भी नहीं है। देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें, आज के टाइम में उनके पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से वो लड़ पाए या आगे आने वाले चुनाव में जनता के सामने आ पाए, क्योंकि अगर हम जैसे दिल्ली से अगर यूपी को कंपेयर करते हैं, अगर पर्टिकुलर हम सिर्फ यूपी की बात करें, क्योंकि जो मामला अभी सामने आया यूपी से आया है, तो यूपी की आबादी दिल्ली से 10 गुना ज्यादा है, अगर दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं तो यूपी में 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। उसके बाद भी हमने देखा दिल्ली का मुख्यमंत्री रोज से ट्वीट कर करके ये बोलता था आज हमारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, अब लोग मर जाएंगे, हम बचा नहीं पाएंगे। और उसी तरफ हम देखते थे वहां पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है 3-3 दिन के अंदर नए नए ऑक्सीजन तो प्लांट लगा देती थी, और वहां पे जो है जितनी सुख सुविधा थी वो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में वहां पे सुविधाओं का मतलब अवेलेबिलिटी कराई गई। तो उतनी आबादी के बाद भी वहां पे अगर हम आंकड़े कंपेयर करें दिल्ली से, तो चाहे मृत्यु के आंकड़े हो या कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े हो, वो बहुत कम मात्रा में अगर दिल्ली से हम कंपेयर करें। तो ये लोगों के पेट में ये दर्द है, ये लोग ये परेशान है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जो इतने बड़े बड़े राज्य हैं वहां पे इतने कम केसेस आ रहे हैं और हम लोग केस संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उसका इनको एक ही चारा नजर आता है विपक्ष को, जो चाहे कांग्रेस हो या और कोई सरकार हो, कि या तो देखो एक वैक्सीन वेस्ट करो, उसके बाद आप ये बताओ, देख जब वैक्सीन नहीं लगेगी लोगों को तो केसेस ज्यादा आएंगे, लोगों की डेथ ज्यादा होगी, दूसरा जब ये वैक्सीन वेस्ट होगी तो ये बताएंगे कि देखो वैक्सीन मोदी सरकार जो वैक्सीन
अवेलेबल नहीं करा पा रही है, क्योंकि केजरीवाल को भी अगर हम देखें या महाराष्ट्र सरकार को भी हम देखें तो सबका यही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जबकि वैक्सीन इनके पास है। लेकिन एक मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं वर्ल्ड में और देश में कि वैक्सीन की कमी है या मेडिसिन की कमी है या ऑक्सीजन की कमी है। तो एक ये माहौल बन, देखिए क्या होता है कि भले वैक्सीन कम हो या मिल रही हो ये मुझे पता है या आपको पता है, लेकिन जब 24 घंटे न्यूज में यही आता रहेगा ट्विटर पे या फेसबुक पे, जब केजरीवाल लाइव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कहते रहेंगे कि वैक्सीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हाँ वाकई शायद वैक्सीन नहीं मिल रही होगी। तो इनका यही प्लान है, क्योंकि इनका प्लान अभी महामारी से लड़ना नहीं है, लोगों की जान की परवाह नहीं है, इनका जो टारगेट है वो आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, वो है और उसी के लिए ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। और ये जो निया खान की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे और भी कई लोग होंगे, मुझे ऐसा लगता है, देखिए एक बंदा पकड़ा गया, दो पकड़ेगा, जैसे जमाखोरी की अगर हम बात करें तो कई लोग पकड़े गए थे बैक टू बैक, पता चला कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ब्लैक कर रहा था, कोई मेडिसिन की ब्लैक कर रहा था, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक कर रहा था। तो इसी तरह से मुझे लगता है जो अभी ये जो नया मामला सामने आया कि वैक्सीन की जो वेस्टेज हो रही है उसे डस्टबिन में बाहर हैं और नकली मतलब खाली इंजेक्शन लगा के लोगों को भेज रहे हैं, तो ऐसे और भी मामले मुझे लगता है अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सामने आ सकते हैं। जी, जनता इसे वैक्सीन जिहाद भी बोल रही है, जिससे सरकार को बदनाम करके कोरोना को और फैलाया जा सके, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखिए बिल्कुल दो चीज है, मैंने आपको बोला अगर आप कोई चीज ब्लैक कर रहे हो और पैसे का उसको आपको फायदा हो रहा है तो वो जमा खो रही है, तो उसमें हम एक बार कोई मान सकते हैं भाई आपके मन में लालच आ गया था कि ये जो महामारी है इसको हम लोगों की जो मजबूरी है उसका फायदा उठा के 10 रुपए की चीज 80 रुपए की बेच दें, 70 रुपए की बेच दें और उससे हम आपको फाइनेंशियली बेनिफिट ले लें। लेकिन ये जो मामला जो निया खान का सामने आया, क्योंकि इसमें उसे पैसों का तो कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कोई जैसे कि जो एक कोई एक प्लानिंग के तहत लोगों को जैसे मिसगाइड किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हमें देखने को मिले, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या राकेश टिकैत हो या इस तरह के जो लोग थे जो बार बार लोगों को ये बोल रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाओ, इससे जान भी जा सकती है, जान का भी खतरा है, और कई चीजें हमें ऐसी देखने को मिल रही है, जैसे कि कुछ लोग अगर किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं वैक्सीन ना लगाओ, तो कुछ लोग ऐसे भी जो मुस्लिम्स को मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम्स को एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये वैक्सीन है वो मुस्लिम्स को नहीं लगानी चाहिए। तो जब इस तरह का माहौल जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि भले ही आपको कोई स्पेशली ये आदेश नहीं दे रहा कि आप ये वैक्सीन वेस्ट करो, लेकिन हम खुद ही ऐसा अज्यूम कर लेते हो कि नहीं आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मतलब मुस्लिम्स को अगर ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए तो शायद इस वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है या इससे जान जा सकती है, तो हम इसको वेस्ट करें। सर राजस्थान में भी डस्टबिन से 500 से ज्यादा वैक्सीन मिली है जिसे फेंक दिया गया था, इससे पहले भी खबर आ रही थी कि राजस्थान में 35% वैक्सीन खराब हो गई है। बिल्कुल देखिए, एक तो पहले हमारे जो देश की जो आबादी है वो इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से जो वैक्सीन है चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो या उसकी इंपोर्ट हो वो उतनी पर्याप्त मात्रा में जल्दी से नहीं हो पाती है, क्योंकि हर राज्य में इतने 20-20 करोड़ और 15 करोड़ और 4-4 करोड़ लोगों की आबादी है। उसके बाद भी जो है मोदी सरकार जो है पूरी कोशिश करे कि जल्द से जल्द उसको डिवाइड किया गया एज ग्रुप में। पहले हमने 45 से प्लस के एज ग्रुप्स को वैक्सीन लगाई गई जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई गई, ताकि पहले जो बुजुर्ग हैं और जो डॉक्टर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं उन लोगों को पहले सेव किया जाए। उसके बाद अब ये 18 प्लस की जब से शुरू हुई है, देखो ये देखा जा रहा है जब से ये 18 प्लस के लिए जो वैक्सीन खुली है कि आप 18 से लेके 45 साल तक के जो लोग हैं वो लगा सकते हैं, तब से ये जो विपक्ष है और ये जो दूसरे जो सो कॉल्ड जो मीडिया कह लो आप या जो इस तरह के लोग हैं जो अपने आपको किसी न किसी एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का या एक किसी धर्म का ठेकेदार मानते हैं, उनको वो एक्टिव हो गए हैं, यानी उन लोगों ने अपना ये जाल फैलाना शुरू कर दिया कि ये वैक्सीन नहीं लगानी। और उसके तरीके जब लोगों को इनको समझ आ गया कि हमारी बात ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं, देखिए अगर कोई मेयर से बोले कि नहीं आपको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो अपनी मर्जी से ही लगाऊंगा, मैं दूसरे क्यों सुनूंगा। तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुना कि उसकी जो क्वांटिटी है उसे कम कैसे किया जाए, यानी अगर मान लीजिए किसी राज्य में 20 करोड़ की आबादी है, यूपी की अगर हम बात करें 20 करोड़ की आबादी है, वहां पे अभी फिलहाल मान लो कि 2 करोड़ वैक्सीन वहां पे पहुंची, तो 2 करोड़ वैक्सीन में से पहले तो 35% वैक्सीन ये वैसे वेस्ट कर देंगे, यानी इसका मतलब ये कि 70 लाख वैक्सीन तो इन्होंने वेस्ट कर दी। तो ऑलरेडी पहले 20 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 करोड़ वैक्सीन आई थी, उसमें 70 लाख वेस्ट होगी तो बची कितनी। तो इनका मकसद ये है कि इनका मकसद यही है कि जब ये वैक्सीन वेस्ट होगी लोगों को मिलेगी नहीं, तो एक माहौल ये बनेगा कि मोदी सरकार जो वैक्सीन अवेलेबल नहीं करा पा रही है, यानी वो राज्यों को दे नहीं रही है वैक्सीन। जी सर, कांग्रेस की सरकारें वैक्सीन बर्बाद कर रही हैं और हिंदुस्तान को बदनाम देश बता रही है कांग्रेस पार्टी।
हाँ अब ये देखिए, ये नीचता पे कहाँ तक गिर चुके हैं, मतलब ये हिंदुस्तान को बदनाम देश बताने पर उतारू हैं। देखिए आप किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी से अगर आपकी मान लीजिए विचारधारा मेल नहीं खाती, या आप दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, तो आप पार्टी पे टीका टिप्पणी कर सकते हैं, पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, पार्टी के नेता की आलोचना भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप उसके खिलाफ कोई बयानबाजी कर दीजिए, वो भी समझ आता है। लेकिन अब सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त भारत सरकार, मतलब भारत में जो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वहां पे जो सरकार है वो बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो आप भारत को बदनाम देश कहने लगोगे तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरह की जो बयानबाजी है, ये भी एक देशद्रोह का जो है एक तरह से, ये भी उस पर एक्ट लगना चाहिए। वो विपक्ष कहीं का भी विपक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो किसी राज्य की पार्टी हो, उनका सिर्फ एकमात्र एक ही काम है ट्विटर पे ऑनलाइन आना, फेसबुक पे ऑनलाइन आना, और ये देखना कि आज हम मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ या भारत के खिलाफ भी, क्योंकि अब ये लोग भारत के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, इनको वो भी डर नहीं रहा है, पहले से पार्टी के खिलाफ बोलते थे, तो आज हम क्या ट्वीट कर सकते हैं, तो बस इनका ये चुनना है। वो एक तरफ मतलब इनको ये भी शर्म नहीं आ रही, जिस वक्त एक महामारी लोगों की जान जा रही है, क्या हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, केसेस 2 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, और पूरा जो विश्व है वो इस वक्त जो अगर दुआएं भी कर रहा है भारत के लिए, दुआएं भी कर रहा है और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि हम भारत के हर जिस भी लेवल पे खड़े हो सकते हैं खड़े हों। और हमारा विपक्ष, एक विपक्ष ऐसा नहीं मिला, इतने हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें एक भी विपक्ष ऐसा नहीं मिला हमको जो कि ये बोल रहा हो कि नहीं इस महामारी में हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। अगर केंद्र सरकार को कोई भी परेशानी भी हो रही है, अगर वैक्सीन कम भी है या अगर जो सुविधाएं उतनी नहीं भी मिल पा रही, तो भी कोई बात नहीं, हम साथ खड़े हैं, जो भी होगा हम मिलके लड़ेंगे। इस महामारी को भी मैंने आपको बोला, ये आपदा में अवसर इसको ले रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि जो महामारी है इसकी वजह से शायद केंद्र सरकार की जो छवि है वो हम खराब कर पाएंगे, क्योंकि वैसे तो और इन पे कोई मुद्दा है नहीं। अगर हम यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अगर इतने टाइम में उनकी 4 साल हो गए, एक भी कोई ऐसा घोटाले का आरोप नहीं है कि उन्होंने कोई इतने 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया हो, कोई 1 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया हो, तो इन पे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये जो अगले साल की जो चुनाव है, ये किस मुद्दे पे लड़ेगे जो विपक्ष है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वहां पे वैक्सीन वेस्ट करो, लोगों की जान जाएगी, फिर हम ऐसे दिखाएंगे देखो योगी जी फेल हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए कोरोना से लड़ने के लिए, और शायद जनता का हम वोट ले पाएंगे। तो इसी तरह से अब ये पूरा लोकसभा चुनाव का भी टारगेट ये बना रहे हैं जो 2024 में होने वाले हैं, इन पे मुद्दे ही नहीं है असल में विपक्ष के पास। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये केंद्र सरकार के हाथ और जो बीजेपी पार्टी के हाथ खड़े होकर फिलहाल इसमें अगर जनता के लिए खड़े होते और सेवा करते, तो शायद इनके आने वाले चुनाव में कुछ सीटें ले लेते। लेकिन अब जो इनकी जो ये ओछी हरकत है, जो ओछी राजनीति है, जो निचले स्तर की राजनीति इन्होंने करी है, इसके बाद इनका जो पिछले जो चुनाव में जो इनकी जो रिजल्ट आया था उससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जनता सब देख रही है और समझ रही है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ ट्विटर और फेसबुक खेल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।